शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहारा से हज के लिए रवाना हुए। इस साल पहली बार हज यात्रा बिना सब्सिडी के संपन्न हो रही है। लगभग 1,75,000 हाजी हिंदुस्तान से पाक मक्का में हज करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 2 सालों में हज का कोटा 40,000 बढ़ाया है। वही हज यात्रा पर GST का कोई असर नहीं पड़ा है। कम से कम खर्च पर लोग हज कर सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। साल का हज बहुत ही हिस्टोरिकल हज है, ऐतिहासिक हज है। आजादी के बाद से पहला मौका होगा जब 1,75,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान हज करने जा रहा है। और खासा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार सऊदी सरकार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, पिछली बार लगभग 35,000 का कोटा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, जो सऊदी गवर्नमेंट के साथ एक बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उसकी वजह से बढ़ा। और इस साल भी 5,000 का कोटा सऊदी अरब की सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हज का बढ़ाया, यानी 2 सालों में लगभग 40,000 का कोटा बढ़ा है। और इंशाल्लाह आगे कोशिश भी हम करेंगे कि बढ़े। उसके अलावा जो है वो इसलिए मैं हिस्टोरिकल कह रहा हूँ कि बगैर सब्सिडी का हज हो रहा है। और किसी भी तरह की अब सब्सिडी की जो एक कहा जाता था कि क्यों सब्सिडी दी जा रही है, वो बगैर सब्सिडी का हज हो रहा है। आपका हज पूरा हो, ये मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, हाजी इब्राहिम शेख इंडिया के हज कमेटी के सदस्य ताज जफर एस अलगर्नी, सांसद हुसैन दलवाई, मुंबई के मेयर विश्वनाथ महाड़ेश्वर, पूर्व सांसद कृपा शंकर सिंह, पूर्व सांसद मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जीना शेख, श्री हसमत बारकर ने हज यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें हज के दुआओं से संबंधित दुआ की किताब सौंपी। हज यात्रियों का स्वागत फूलों और जा नमाज से किया। यहाँ से जो है वो हाजी जा रहे हैं, उसमें लगभग जो है वो 2,000 के इर्द गिर्द बगैर महरम के मुस्लिम महिलाएं हज पर यात्रा पर जा रही हैं। और इस बार जो हज असिस्टेंट भेजे गए हैं सऊदी अरब में हिंदुस्तान के हाजियों की मदद के लिए, उसमें भी पहली बार होगा कि 100 से ज़्यादा महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सऊदी अरब में हज यात्रियों की मदद के लिए होंगी। और हमारी कोशिश है कि 2019 का हज जो है वो एक बार शिप से भी हो, और इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगले साल का हज हवाई जहाज़ के अलावा पानी के जहाज़ से भी करने की कोशिश। आज मुंबई से पहली फ्लाइट रवाना हुई है और ये फेज़ 2 का ऑपरेशन हमारा स्टार्ट हुआ है। फेज़ 1 में 67,000 हाजी मदीना पहुँच चुके हैं, और अभी दूसरे फेज़ में आज से जो मुंबई और बेंगलोर हैदराबाद इसलिए ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, जहां बचे हुए हाजी तकरीबन जो 60,000 हैं वो जाएंगे। और ये आज पहली फ्लाइट गई है, इसमें लातूर के हाजी, यहां से 155 हाजी मक्का के लिए जद्दा जाएंगे और जद्दा से मक्का जाएंगे। मुंबई पर सब्सिडी का कोई असर नहीं होता है, जहां जो छोटे एम्बार्केशन होते हैं जिसमें किराया ज़्यादा होता है वहाँ कुछ असर था, वो लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हमने ऑप्शन दिया था, जिनको नहीं चाहिए था वो लोग बड़े सिटी में आ चुके हैं, जैसे कि मुंबई में पहले 6,000 हाजी जाते थे, अभी इस साल 15,000 के लगभग हाजी मुंबई से जा रहे हैं, तो यहाँ सब्सिडी नहीं की ज़रूरत नहीं होती है, ना किराया कम होता है। तो जैसे औरंगाबाद, भोपाल और इंदौर से हाजी यहाँ आ रहे हैं, तो जिन्होंने सब्सिडी जो जिसको ज़रूरत नहीं है, जो दे सकते हैं, ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, वो लोग ऐसे मार्केशन से जा रहे हैं जहाँ किराया महंगा है और जहाँ किराया सस्ता है। और जो लोग सब्सिडी के नहीं रहते हुए अपनी खर्च को कम करना चाहते हैं, उन्होंने बड़े सिटी को चुना है और वो वहाँ से जा रहे हैं। हमारे दिल्ली से लगभग 20,000 हाजी कल आखिरी फ्लाइट में जा चुके हैं, लखनऊ में लगभग 16,000 हाजी जा चुके हैं। तो ऐसे बड़े एम्बार्केशन जहाँ किराया कम होता है, जहाँ सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हाजी जा रहे हैं। करीब करीब 15 से 16,000 हाजी जा रहे हैं, हर साल 6,000 हाजी जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि सब्सिडी खलास करने के बाद ऑप्शनल रखा गया था, तो लोगों ने मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट चुना। वो इसलिए चुना कि यहाँ से सब्सिडी लगती नहीं है, 0 पॉइंट पर यहाँ से इंसान जाता, बाकी सब जगह से फेयर एयर फेयर जो है सब्सिडी खलास होने से बहुत बढ़ गया, 40,000 50,000। इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब को मैं दिल्ली जाके एक मेमोरेंडम दे के आया था, इसलिए नसीम खान साहब ने उनको जगाने की कोशिश की,
एक मेमोरेंडम दे के आया था कि सब्सिडी खलास हो गई है, अभी जीएसटी तो ना लगाए, जीएसटी भी खलास कर दिया जाए, जीएसटी हमारे पर हाजियों के पर ना लगाया जाए। वो इसलिए ना लगाया जाए कि प्राइवेट टूर वाले को 5% है और हज कमिटी ऑफ इंडिया का जो मिशन चलता है नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर चलता है, उसके ऊपर 18% लगाएगी। तो हमने मुख्तार नकवी साहब से कहा था जाके दिल्ली में, मेमोरेंडम दिया था कि सब्सिडी को हटा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सब्सिडी हट जाएंगे, लोगों के पैसे शायद गवर्नमेंट को कुछ तरह से आ जाए और दे देंगे लोग।